Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Welcome to the Math World. Math World mein khush aamdeed. Aaj hum aapke samne exercise 8.1 question number 8 most important question jo ke Faisalabad board 2012 ke andar ye question paper mein tha, Sargodha board 2015 ke andar tha. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं और 2012 के अंदर ही ये वाला क्वेश्चन जो है ये लाहौर बोर्ड में था लाहौर बोर्ड के अंदर था ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये हमारे पास एक इक्वेशन है इसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत सॉल्व करेंगे यानी ये हमारे पास एक फार्मूला है जैसा कि फार्मूला नहीं लिखा हुआ था हम जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर ये जनरल फार्मूला होता है तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी ये हमारे पास एक फार्मूला होता है इस फार्मूले को हम अलजेब्रिक फार्मूला बोलते हैं और इस तरह ये भी एक फार्मूला जिसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला बोल सकते हैं आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जहां हमें एन से इक्वेशन स्टार्ट होगी वहां से हम उसको उठा लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एन क्रॉस टू एन प्लस वन और जहां एन नजर आएगा वहां हम वन पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड पूरी की पूरी हम लिख देंगे तो इस तरह एन की जगह हमने वन रखा टू वन क्रॉस टू प्लस वन टू को वन से मल्टीप्लाई करें टू आ जाएगा टू प्लस वन थ्री थ्री को वन से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा थ्री राइट हैंड साइड पे चले वन प्लस वन टू इंटू फोर इंटू वन फोर प्लस फाइव नाइन नाइन को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूँ एटीन एटीन को सिक्स पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ जाता है थ्री इसका मतलब इस तरह हमारी ये जो कंडीशन है सी वन वो सेटिस्फाइड होगी आइए अब हम इसकी कंडीशन सी टू फाइंड करते हैं उसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हम एन की जगह के रखते हैं और फिर के की जगह पे के प्लस वन रखते हैं फिर उसे हम सेटिस्फाइड करते हैं Suppose that the statement S of n is true for n is equal to k, where k belong to n, where n is a positive integer. मतलब कि n की जगह पे हम positive number रख सकते हैं, minus का number कोई नहीं रख सकते, क्योंकि natural number हमेशा positive number होते हैं. Thus n is repeated by k. Therefore, 1 plus 3 cross 2 plus cross 5 plus 3 cross 7. ये हमारे पास एक equation है. और जहाँ n था वहाँ हमने k रखा, k into 2 k plus 1. Which is equal to k into k plus 1, 4 k plus 5 over 6. यानी just n जो है उसकी जगह पे हमने k की जगह replacement कर दिया. ये बन जाएगा ना we will have to prove इसको हम equation number 1 का नाम देंगे. Now we will have to prove for n is equal to k plus 1. अब जहाँ equation 1 में हमें k नजर आ रहा है वहाँ हम k plus 1 से replace कर देंगे. इस तरह सब k plus 1, 1 plus cross 3 plus 2 cross 5 plus 3 क्रॉस 7 प्लस सो ऑन प्लस के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 प्लस के प्लस 2 इंटू 4 इंटू के प्लस 1 प्लस 5 ओवर 6 ये जो 4 है इसको हम अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 के प्लस 9 ये बन जाएगा 4 के प्लस 9 तो इधर आ जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ओवर 6 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे इस इक्वेशन को बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड वो राइट द प्रीवियस वैल्यू ऑफ के के की वैल्यूज तक हमने इसको एक्सपेंड करना है 1 प्लस 3 1 क्रॉस 3 प्लस 2 प्लस क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस सो ऑन प्लस के इंटू 2 के प्लस 1 प्लस अब यहां देखें इस के की जगह पे के प्लस 1 आ गया प्लस 2 इंटू के इस के की जगह पे के प्लस 1 आ गया प्लस 1 इसे मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा के प्लस वन प्लस टू इंटू ये देखें के प्लस वन इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा ये लिखा हुआ है टू के प्लस टू प्लस वन तो ये टू के प्लस थ्री बन जाएगा अगर हम गौर करें तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ तक अगर हम इसको गौर करें तो यहाँ तक अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास जो ऊपर हमने इक्वेशन वन का नाम दिया था ये हमारे पास इक्वेशन वन है तो ये किसके बराबर है वन क्रॉस थ्री प्लस टू क्रॉस फाइव प्लस थ्री क्रॉस सेवन प्लस सोन प्लस के इंटू टू के प्लस वन तो गौर करें कि इस इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं है बिल्कुल फर्क नहीं है
उसकी वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे k इंटू के प्लस वन इंटू फोर के प्लस फाइव ओवर सिक्स। अब इस इक्वेशन को जब मैं इसके अंदर सेटिस्फाई लिखा हुआ है बाई इक्वेशन वन, वन को यूज किया है, तो इनमें ये k प्लस वन है और इधर भी k प्लस वन है, तो इस k प्लस वन को मैं दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ। ये लिखा हुआ है टेकिंग कॉमन k प्लस वन, k प्लस वन को जब मैंने कॉमन लिया तो इधर बन जाएगा ये वाला k इंटू फोर के प्लस फाइव, ये बन जाएगा फोर इंटू के प्लस फाइव ओवर सिक्स प्लस टू के प्लस थ्री। इधर से ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया, यहाँ वन रह जाएगा, वन को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा टू के प्लस थ्री। डेफिनेटली जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का पता है आपको, ये बच्चों का काम है एलसीएम लेना, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपके सामने लेता हूँ एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ इसके नीचे जो है ओवर में वन है, जो मल्टीप्लाई सिक्स करेंगे ये बन जाएगा ट्वेल्व के प्लस एटीन, ये बन जाएगा फोर फोर, ये जो के है अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये बन जाएगा फोर के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस ट्वेल्व के प्लस एटीन। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, सेवनटीन के जो है इसे मैं लिख सकता हूँ फाइव, सॉरी फाइव प्लस ट्वेल्व के, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ सेवनटीन के। और अब इस सेवनटीन की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ एट नाइन, यानी अगर मैं नाइन को ऐड करता हूँ एट में तो हमारे पास आंसर जो है वो सेवनटीन आएगा। ये हम फैक्टराइजेशन करते हैं फोर के, और इसमें से फोर के स्क्वायर और एट के से हमने फोर के कॉमन लिया, इसका मतलब ये फोर के कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह जाएगा के प्लस टू, के प्लस टू, इधर से नाइन को कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा के प्लस टू। इस तरह ये बन जाएगा, अब के प्लस टू इन दोनों में है तो के प्लस टू कॉमन लेंगे तो पीछे बन जाएगा फोर के प्लस नाइन। अगर गौर करें के प्लस वन, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू फोर के प्लस नाइन, और इस पूरे के नीचे मैं लिख सकता हूँ ओवर सिक्स। अगर गौर करें तो ये इक्वेशन और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर टू है उसकी, इक्वेशन नंबर टू ये जो उसकी जो राइट हैंड साइड है, अगर गौर करें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमने कंडीशन टू जो है वो सेटिस्फाइड कर ली है। Thus, s of k plus 1 is true if s of k is true for true, so c 2 यानी कंडीशन नंबर 2 is satisfied. True for n is equal to k plus 1. Hence, the statement is true for all the positive integer. हाँ, अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से मैथ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक्स।